तो फाइनली आज अपने पास ये डिजाइनदार मंजूली रही, काफी फैंसी वाली मंजूली पतंग आएंगी। और ये तीन मंजूर है मैंने अपने लोकल मार्केट से खरीदे हैं भाई, झांसी की शॉप से। ये तो भाई ऑरेंज कलर का मंजा है, और एक ये रहा बैगनी कलर का मंजा, काफी शाइन मार रहा, चमक तो बहुत कर रही मार रहा है। ये अलग ही कलर का मंजा रहा, अलग ही मंजा है। ये तीन मंजे हैं, देखते हैं भाई इन मंजों में पावर है कि नहीं है। चलिए इनसे पतंग लड़ाते हैं और देखते हैं कटती है नहीं कटती। चलिए हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली न्यू ब्लॉग लेके आ चुके हैं, काइट फाइटिंग करते हैं, आइएगा। तो भाई मयंक भाई ने थोड़ी ही पतंग बढ़ा ली है, जैसे ही और बढ़ जाएगी और पहला पहले लड़वाएंगे तो आपको तुरंत दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर की पतंग है ओपोनेंट की, और लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लैक कलर की है। देखते हैं दोनों में किससे लड़ाते हैं। और सब पे टॉप पे मयंक भाई की पतंग है, अभी लगता है मुझे ब्लू पतंग की तरफ जा रहे हैं, ब्लू पतंग पन्नी की पतंग की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। ये क्या भाई नीचे से, नीचे से गए, और मयंक भाई थोड़ा स्लोली स्लोली, नहीं 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 हुआ, हो गए उसकी पतंग तो झूल पे है। हाँ नहीं क्या हो गया उसके, अरे हाँ उससे भी लड़ रहा है। अबे तीन तीन पतंगे एक संगे लड़ रही, वो तीन तीन हो गए, तीन तीन हो गए, तीन तीन बेंच हो गए। अबे यार ये क्या कर दिया इसने, अगर इससे भी बच गई, उससे तो बचा ली, उससे तो बचा ली, इससे बचे रह गए। खेल ले आंदो, अपनी गई हमें लगी थी, हमने गई तो दी। देखो ये काटे गाइस पहली पतंग कट गई हम लोगों की। तो भाई मयंक भाई है राइट हैंड साइड पर नीचे से, और सबसे नीचे मयंक भाई की पतंग उड़ रही है, और अब सेंटर में आ गए हैं। और मयंक भाई आ रहे हैं रेड कलर की पतंग लड़वाने, क्यों रेड रेड कलर की पतंग लड़वाने आ रहे हैं ना? हाँ क्योंकि भाई बहुत सारी पतंग उड़ रही है तो कन्फ्यूजन सी हो रही है कि किससे लड़वा देंगे। अभी ऐसा हो सकता है भाई रेड कलर की पतंग लड़वाने आ रहे हो और बीच में कोई और रख दे, अरे दो तीन, अरे ये तो दिक्कत हो गई। रख दो रख दो, मजा आएगा, देखो देखो क्या होता है। कैसे रहते जाओ, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया काटे, बहुत बढ़िया, एक ही बारी में काम खत्म। पहला पैच बड़ा सक्सेसफुल रहा, पहला पैच काटते हुए अपन लोग। अपन लोग ये हरी वाली पतंग उड़ रही राइट हैंड साइड पे, जो पतंग उड़ रही उससे चल रहे, नीचे से लेके जाएंगे एक बारी में, कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं क्या होता है, आइएगा। कोशिश करना मांग भाई 360 मारो पहले ऐसा। भाई ये राइट हैंड साइड पे पतंग है जो नीचे से ग्रीन कलर की, देखो अभी नीचे से मार रहा है वो गेट दीवार में गला, हाँ दीवार में गला बहुत कस के, आई वो एक बार में, आई वो रिएक्शन दो मयंक भाई। फाइनली अपन लोग एक बार में ले गए खींचते हुए, एक ही बार में काट दिया पैच उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पैच पे, आइएगा। हरे वाले मुंडे लड़ा रहे, चलो ठीक है ठीक है, लिया लिया भाई। मयंक भाई है लेफ्ट तरफ पे, अब सूरज के पास में, और लेफ्ट नीचे नीचे, लिया लिया मयंक भाई। अरे वो तो पेड़ के पीछे दब गया भाई, बहुत सारी पतंग उड़ रही भाई, कुछ भी कहो बहुत मज़ा आ रहा। और एडवांस में सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, और साथ में लोहड़ी एंड तुम्हारे भाई मयंक भाई के पैंच हो गए। मयंक भाई क्या है दूसरी पतंग लड़वाने, काट दी भाई काट दी, एक्सेलेंट शॉट भाई, बहुत बढ़िया भाई। वो जा रही लहर के, देखो ये जा रही, वो देखो भाई बहुत दूर गिर रही आगे, आपको दिख रही होगी बिल्कुल भाई, ट्रांसपेरेंट पन्नी थी बिल्कुल, तभी तो बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे। क्या हो गया, चली गई? हाँ भाई दोनों चली गई, मयंक भाई लड़ाए थे मुड्डे के से, तो मयंक भाई की भी चली गई और उस मुड्डे की भी चली गई, ओपोनेंट की भी चली गई। सो जे वाला पैच मालूम कैसे कट गया अपना, उसने एकदम रखी और मैंने आगे से खींच दी, मेरे कन्ने से आ गई थी, वरना कन्ने से नहीं आती, थोड़ी से आगे जाके आती ना, तो उसकी तो चली गई थी और अपनी चली गई बिना फालतू में, क्योंकि भाई अपने कन्ने से थी। बांधते हैं अगली पतंग के कन्ने, मिलते हैं अगली पतंग पे, आइए। तो गाइस अपनी नेक्स्ट पतंग उड़ चुकी है, अब जैसे ही मयंक भाई अगला पैंच लड़ाएंगे तो आपको वैसे ही दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से पतंगबाजी। भाई ये पैंच हो गया अपना ये वाला, गाइस ये बहुत तगड़े पैंच चल रहा है और बहुत लंबे पैंच हो रहा है, और ये अपने आप ही रख गई थी भाई, जैसी उड़ाई वैसी रख गई, पता ही नहीं चला कब पैंच हो गए। हल्की हल्की खींचो, हल्की हल्की सी झटके वाली, खिंचा हो रहा है, रख ली रख ली रख ली, किच्चा हो गया भाई हम लोगों के। तो फाइनली गाइस अभी अपनी पतंग खेचतानी में चली गई है, तो उसी बीच में मालूम हुआ क्या, एकदम ही भाई बहुत भयंकर एकदम ही खींची उसने पतंग, तो अपनी अंगूठे अजी कट चुका है, मैंने टेपिंग नहीं करी थी, इधर भी घाव आ गया, ये भी आ गया, लेकिन इधर चिन में ना आ रहा, इधर तो भाई खून निकल आया था, वो दिखा नहीं रहा मैं,
काफी अंदर तक लग गई। ऐसी आपकी भी उंगली कटती है तो बताना कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, आप अपनी उंगली को कैसे बचा सके, हाउ टू प्रोटेक्ट योर फिंगर, उस पर भाई अलग वीडियो बना सकते हैं अगर आप लोग कमेंट करिएगा। उत्तरायण, लोहड़ी और मकर संक्रांति के टाइम ऐसा खासकर सबसे ज्यादा होता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द वीडियो लेते आएंगे अपन लोग मकर संक्रांति और उत्तरायण और लोहड़ी से पहले। तो भाई इसी तरीके से ब्लॉग को कहते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खत्म, टाटा बाय बाय।